ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਾਲੀਆ। पहले तो इतनी इज्जत देने के लिए शुक्रिया। कह रहे हैं घर से माइक लेकर आना अपना, तुम्हारे लिए माइक ही नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई बात नहीं लेके चलते हैं। हेलो हेलो एवरीवन, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। मैं अपने बारे में बताया था, मेरा नाम अभिषेक वाली है और मैं एक मिडिल क्लास इंसान हूँ, और हर मिडिल क्लास इंसान की तरह मेरे पास भी एक माँ है। और तुमने सुना है क्या कहा जाता है, ऐसे कहते हैं ना कि माँ के लिए अपने बच्चों तो वध के कुछ नहीं होता, ऐसा सुना है? पर मेरी माँ के लिए घर है, मैं मां से बढ़कर कोई नहीं है। मैं छोटा था, मैंने मम्मी को बोला कि किचन में चॉकलेट बिस्किट पड़े हैं, मुझे वो दे दो। कहती नहीं नहीं वो किसी आए गए के लिए है, तू पार्ले जी खा। मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैंने कहा यार हमेशा पुराने बर्तन में खाना देते हो, घर से नए भांडे भी है उनसे दे दो खाना। कहते नहीं नए भांडे जेडे हैं वो आए गए मेहमान ले हैं, तू पुराने भांडे से खाना खा। तो मैंने समझ आ गया घर से जो भी नई चीज आऊगी वो मेहमान ले होगी, उससे मेरा कोई हक नहीं होगा। तो मैंने इस घर से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि चलो कोई बात नहीं पुरानी चीज दे रहे अपनी माँ दे रही है दे रही है, बट इससे एक प्रॉब्लम है कि अब मेरी शादी की उम्र हो रही है तो बीवी भी एक तरह की नई चीज ही होगी घर में, तो मुझे इस बात से बहुत प्रॉब्लम होती है। पर एक चीज है जो तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो है वैलेंटाइन डे। चलो वैलेंटाइन एक डे आशिकों को दिया, बात खत्म होगी। पर अब क्या पूरा हफ्ता बना दिया, किस डे हक डे, ये डे वो डे, क्या ये आशिकों का आईपीएल चल रहा है क्या? और मैं सिंगल हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। दोस्त मेरे पास आते हैं कहते हैं यार तू सिंगल क्यों है, तू क्यों नहीं गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, जैसे मेरे बस की है पर मैं बना नहीं रहा। मेरे नाम के टोकन बन रहे हैं मार्केट में पर मैं लड़की रिजेक्ट करूं कि नहीं नहीं आपको तो लेफ्ट आईब्रो में राइट आईब्रो से चार बाल कम है तो मैं आपको रिजेक्ट करता हूं। अरे नहीं बन रही तभी तो नहीं बना रहा। तो एक दिन क्या हुआ, मैं पूरा हफ्ता ना घर में ही बैठा रहा, मैंने कहा बाहर निकलूंगा नहीं, कुछ कपल दिखेंगे और प्रॉब्लम होगी, तो मैं निकला ही नहीं। पर वैलेंटाइन डे वाले दिन मैंने कहा चलो थोड़ा घर से बाहर घूम कर आते हैं, शायद घूमेंगे तो अच्छा फील होगा। सिंगल 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 सुन सुन के मैं थक गया था, मैं निकल गया वैलेंटाइन डे वाले दिन बाहर, तो जहां देखूं वहां कपल, मतलब कपल ही कपल घूम रहे हैं और मैं अकेला ऐसे घूम रहा हूं उनके बीच में। तो मैं कहा काम करते हैं भाई, कुछ खाते हैं और घर चलते हैं, यहाँ नहीं बैठना। तो मैं एक एग रोल वाले के पास चला गया, मैंने कहा भैया एग रोल बना दो। कहता भैया सिंगल। मैंने कहा तू अपने काम से काम रखना, तेरे को क्या लेना है। तो क्या ये ना प्रॉब्लम चलती आई, अब मुझे लगा कि यार गर्लफ्रेंड तो बन रही, गर्लफ्रेंड क्यों बन दिया, या तो थोड़ी लुक्स अच्छी हो या जॉब हो थोड़े को, लुक्स थोड़े सामने है। मैं कहा चलो जॉब ढूंढते हैं, मैं चला गया इंटरव्यू देने। तो एचआर कहती है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने कहा हाय माय नेम इज अभिषेक वाली, आई बिलोंग टू पंजाब। तो उन्हें मुझे उतना ही रोकता कि तू पंजाबी है, मैं कहा हाँ जी। कहती पंजाब तो है, मैं कहा हाँ जी। कहती लगता तो नहीं है। मैं कहा हाय माय नेम इज अभिषेक वाली, बोलो तारा रारा। अरे पंजाबी लगते कैसे, मतलब पंजाबी क्या मैं हाथ में सरसों का साग लेके घूमूंगा क्या? तो मैंने जॉब तो मिली नहीं, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जॉब नहीं मिली हूँ, मैंने गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलनी, क्योंकि मैं उम्मीद हारती थी। पर मैंने बाद से पता चला कि चलो जॉब नहीं मिली कोई गल नहीं, किस्मत कई बार कम आ जाती है, तो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। तो लास्ट ईयर मेरी गर्लफ्रेंड ने मैंने डेट से बुलाया तो मैं चला गया, मैं चलो कोई गल नहीं चलते हैं। जब उठे गया तो देखा वो अपनी सहेली भी ना लेके आई उसी, ओदी सहेली ने मैनू देखा और मेरे सामने ही बोल रही उन्होंने कि यार तू तो इतनी प्रिटी है, ऐ तो एवं ही दिखता। तो मैनू बहुत गुस्सा आया, पर मेरे से ज्यादा गुस्सा मेरी गर्लफ्रेंड को आया। वो बोली हाउ डेयर यू, पता नहीं गुस्से से उधर इंग्लिश ही निकलती थी। तो उन्होंने कहा हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे अभिषेक को ऐसा कुछ बोलने की। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बैकग्राउंड में गाना चल रहा है कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन, अभी मेरे दिमाग में चले जा रहे चले जा रहे। तो उसने वापस बोला हाउ डेयर यू, तुझे पता है वो दिल का कितना अच्छा है। उधर ही वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, मैं ब्रेकअप कर लिया, मैं शक्ल वार नहीं ले सकते, शक्ल दे बहुत फायदे ने। आपके साथ मैम कभी से कभी हुआ है कि आपने ऊबर में या किसी टैक्सी में ट्रेवल किया हो, आपका 500 रुपए का नोट दो 498 का बिल मिले और आपको 2 रुपए वापस मिले हो? मुझे मिले हैं, मैं ड्राइवर तो मंगे भी नहीं सी, ड्राइवर तो कोई खुले सिगे भी नहीं, वो जाके सिगरेट लेकर आया पनवाड़ी तो मैनू 2 रुपए देने ली। बाद च पता चलिया कि वो सिगरेट पींदा भी नहीं सी। मैं कहा यार पाजी रहन दे, की लोड़ सी 2 रुपए देने दी। कहते नहीं नहीं यार तेनू तो आगे जाके मालिक नु साहब देना उन्हें। मालिक नु साहब। मैं कहा यार मतलब ऐ बेइज्जती है, मतलब चलो कोई बात नहीं 2 रुपए तो वापस मिले, फायदा तो होया पर शक्ल दे नुकसान भी बथेरे ने। मैं मेट्रो च ट्रैवल कर रहा सी, मेट्रो च ट्रैवल करते करते एक लड़की का पैर मेरे उत्ते आया, तो घूमी की ओ आई एम सो, और मुझे देखकर कहती है ध्यान से नहीं खड़ा हो सकता था क्या।
मुझे भी लगा एक बार के लिए शायद मेरी गलती है, शायद मुझे ही मेट्रो की छत पे बैठ के जाना चाहिए था, शायद मुझे ही बार बार अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी प्लीज स्टैंड क्लियर ऑफ अगली मैन। तो ऐसी लाइफ, मैं कहा यार कितनी सैड लाइफ है, ना गर्लफ्रेंड है ना जॉब मिल रही है, तेने डम बंदा है। मैं कहा चलो कम कर दे, घर जाना है, मैं फांसी ले लेना। मैं गया घर, मैंने चुन्नी बांधी, चादर बांधी पंखे नाल, ते मैं चढ़न लग गया। मेरी माँ ने देख लिया, मेरी माँ ने नीचे उतारिया, चंड लाई मेरे मुंह ते, ऐ की करन लगे सी। मैनू भी रिलाइज हुआ यार मैं गलत कर रही थी, मतलब ऐदा नहीं करना चाहिए। मेरी माँ ने दोबारा पूछा की करन लग गया सी ये। मैं कहा मम्मी वो कहते तेनू पता नहीं है नई चादर है किसी आए गए लिए रखी है। थैंक यू, माय नेम इज अभिषेक वालिया, थैंक यू।